Hello friends, welcome to AM Pedagogics. I would like to revolutionize NEET aspirants. जैसे कि मैंने promise किया था कि मैं हर weekend पे आपके लिए mock test लेके आऊँगी. The Living Word chapter ख़त्म होने के बाद आज part 4 में मैं लेके आई हूँ एक छोटा सा mock test. इसके answer की मैं आपको कल release करूँगी. देखते हैं आपको कितने questions के answers पता हैं. Let's start with the questions. First question is, the zoological name of dog is A. Canis aureus, B. Canis lupus, C. Canis familiaris, D. None of these. जल्दी से आंसर करें कमेंट सेक्शन में और आंसर के आगे नंबर वन लिख के उसकी राइट ऑप्शन लिखें ताकि मुझे क्लियर हो कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है. मूविंग टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन टू इज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए कार्लस लिनियस, बी हग्सले, सी डी व्रीज, डी जॉन रे. थर्ड क्वेश्चन इज, न्यू सिस्टमैटिक्स बेस्ड ऑन जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप्स इज ए साइटोटेक्सोनोमी, बी न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, सी एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी एंड डी कीमोटेक्सोनोमी. क्वेश्चन फोर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ करेक्ट हायरार्कियल ऑर्डर, ए फाइलम ऑर्डर फैमिली, बी क्लास फैमिली जीनस, सी क्लास ऑर्डर फैमिली, डी फैमिली ऑर्डर क्लास. फिफ्थ क्वेश्चन इज, अ टैक्सॉन इज अ, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, बी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, सी रैंक इन हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, डी यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एनी रैंक. सिक्स क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर अप्लाइज टू ए वायरसेस, बी एनिमल्स, सी प्लांट्स, डी बोथ, बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी, बी फाइलोजेनी, सी मॉर्फोलॉजी, डी फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी. एट्थ क्वेश्चन इज, फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बेस्ड ऑन ए द एंसेस्ट्रल लाइनेज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, बी डेंड्रोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए करेक्टरिस्टिक्स, सी सेक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स, डी ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स. मूविंग टू क्वेश्चन नाइन, द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा सेंचुरी इज ए मकाका मुलाटा, बी पैंथ्रा टाइग्रिस, सी पैंथ्रा लियो, डी रिनोसिरोस यूनिकॉर्निस. टेंथ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एजर्शन रीजन. सो इस क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एक एजर्शन है और एक रीज़न है. क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपको ए बी सी डी में से ऑप्शंस इस हिसाब से चुननी है कि अगर दोनों एजर्शन और रीज़न ट्रू हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की, तो आपने ऑप्शन ए चुननी है. अगर एजर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, तो आपने ऑप्शन बी चुननी है. और सी ऑप्शन आपने तब चुननी है जब एजर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है, और डी चुननी है जब दोनों एजर्शन और रीज़न फॉल्स हैं. टेंथ क्वेश्चन के लिए एजर्शन है, स्पीशीज आर स्टैटिक यूनिट्स इन क्लासिफिकेशन एंड रीज़न इज स्पीशीज डू नॉट चेंज विद टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11, मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट आंसर. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये छोटा टेबल गिवन है, ये ए बी सी डी ऑप्शंस हमने चूज करनी है. हमें मैच करना है इस टेबल का कॉलम वन विद दिस कॉलम टू. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए में गिवन है ए से टू मैच हो रहा है बी से थ्री, तो हमें ये चेक करना है वेदर ए से टू मैच हो रहा है, बी से थ्री मैच हो रहा है, सी से फोर मैच हो रहा है, जैसे कि इस ऑप्शन में गिवन है. सो पहले हमने इस टेबल में से
ऑप्शंस को मैच कर लेना है और फिर उस सीक्वेंस को इसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि ए बी सी डी में से कौन सा सीक्वेंस राइट सीक्वेंस है। कॉलम वन में ए इज टैक्सॉन, बी इज किंगडम, सी कैटेगरी, डी प्लाइनी द एल्डर एंड ई कार्लस लीनियस। कॉलम टू में गिवन है नंबर वन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नंबर टू क्लास, नंबर थ्री बायनोमियल नोमेनक्लेचर, फोर बायोंटा एंड फाइव बर्ड्स। सो राइट मैचिंग करके इस सीक्वेंस को फाइंड आउट करें दैट विच सीक्वेंस इज द करेक्ट वन और उसी ऑप्शन को आप कमेंट सेक्शन में डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICBN stands for International Classification of Biological Nomenclature, International Code of Botanical Nomenclature, International Classification of Biological Naming and D option is International Class of Biological Nomenclature. Next question, question 13 is hotspots of biodiversity are area A where maximum number of fauna are found, B where maximum number of flora are found, C where maximum diversity is found and D where maximum natural resources are found. Next question, question 14 is one of endangered species of Indian medicinal plants is that of A Osimum, B Garlic, C Nepenthes, D Podophyllum. Moving to next question 15, the transitional zone between two distinct communities is known as A ecosphere, B ecotone, C ecoline, D rhizophore. Question 16 is the timing of seasonal activities of plants in relation to change in environmental condition is termed as A dendrochronology, B biological clock, C lapse rate, D phenology. Next question is the maintenance of constant temperature inside the body is an example of A homeostasis, B negative feedback loop, C both A and B, and D none of these. Next question, question 18 is identify the odd combination of the habitat and the particular animal concerned. A option is periyar, is it related to elephant? B run of Kutch, is it popular for wild as? C Dutchigam National Park, is it popular for snow leopard? D Sundarbans, is it related to Bengal tiger? So right option find out kare aur comment section mein dali. Next question is again related to assertion reason statements. A option choose करें अगर assertion और reason दोनों statements true हैं and reason is the correct explanation of the assertion. B option choose करें अगर assertion and reason true है लेकिन reason is not the correct explanation of the assertion. और C option choose करें अगर assertion true statement है लेकिन reason is a false statement. और D choose करें अगर दोनों assertion और reason दोनों statements false हैं. 19 क्वेश्चन में assertion स्टेटमेंट इज गोल्डन लंगूर इज अ vulnerable स्पीशीज एंड रीजन इज देयर नंबर हैज़ reduced एंड देयर नेचुरल habitat इज also disturbed. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट, क्वेश्चन 20 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, ए टीक, बी मैंगो, सी वीट एंड डी टी. 1 टू 20 क्वेश्चन नंबर लिख के उनके सामने राइट ऑप्शन टाइप करें. वेट फॉर आंसर की मॉक टेस्ट 1. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था हर वीकेंड मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगी. नेक्स्ट वीक नया चैप्टर पढ़ेंगे और साथ में उसी से रिलेटेड मॉक टेस्ट होगा. अपने दोस्तों से ज़्यादा वीडियोस शेयर करें. प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी आने वाली वीडियोस की. सब्सक्राइब टू माय चैनल. स्टे कनेक्टेड.